हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपका टॉपिक है इस आज का वो है GSTN, GSTN गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क। आप सब जानते हो कि जो GST है वो आपको ऑनलाइन ही फाइल करना होता है उसको, आप ये नहीं कि मैनुअली फाइल कर दें, नहीं। GST.gov.in एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपको GST के सारे फॉर्म अपलोड करने होते हैं, जिससे कि एक नेटवर्क मैनेज करता है जिसका नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क। ये गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है, जिसमें एक इंटरफेस होता है जो कि कॉमन होता है सारे टैक्स पेयर के लिए। मतलब चाहे मैं GST फाइल करूं, चाहे आप GST फाइल करें, चाहे कोई भी इंसान GST फाइल करेगा, उसे GST.gov.in पर ही जाना होगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसमें तीन फ्रंट होते हैं, टैक्स पेयर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, पेमेंट कर सकता है और रिटर्न फाइल कर सकता है। मतलब सारे काम आपको GST.gov.in पे जाके ही करने होंगे। कई बार ये एक्सटर्नल में 7 नंबर में आ जाता है GSTN के बारे में, और आपकी बुक में भी दिया हुआ है जो कि लाइब्रेरी में अवेलेबल है। जल्द से जल्द जाएं और लाइब्रेरी से बुक इशू कराएं, क्योंकि लिमिटेड एडिशन है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ GSTN के जो फंक्शंस हैं, पहला ये है कि रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी देता है। दूसरा ये है कि जो भी रिटर्न्स आप फाइल करते हो वो सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड करता है। तीसरा, जो भी IGST होता है, जैसे कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें IGST लगता है, इंटीग्रेट GST लगता है। तो उसमें पहले केंद्र सरकार के पास GST जाता है, फिर उसमें से वो आधा पोर्शन अपने पास रखती है और आधा पोर्शन उस स्टेट के पास भेजती है, तो उसका सेटलमेंट भी GSTN करता है। कोई भी टैक्स पेमेंट का मैचिंग करना हो बैंकिंग नेटवर्क के द्वारा, जहाँ भी आपका अकाउंट है उसके साथ मैचिंग करने का काम भी GSTN करता है। उसके बाद आप देखोगे कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को जो भी MIS रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो भी GSTN ही प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा टैक्स पेयर का जो प्रोफाइल होता है उसको भी एनालिसिस करता है कि हाँ, जैसे मान लो मुझे किसी भी इंसान का GSTN के बारे में जानना है तो मैं GST.gov.in पे जाऊंगा, उसका GSTN TIN नंबर डालूंगा और सारी डिटेल मेरे सामने आ जाएगी। इसके अलावा जो भी मैचिंग होती है, रिवर्सल होता है, रिक्लेम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो भी हम GSTN के द्वारा GST.gov.in पे देख सकते हैं। तो मतलब GSTN एक ऐसा नेटवर्क है जो कि मैनेज करता है GST.gov.in को, जहाँ पे जाके आप सारे GST के रिलेटेड वर्क करते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो रिटर्न फाइल करना हो, चाहे वो पेमेंट हो, सब कुछ GSTN ही मैनेज करता है पोर्टल को, जिसका नाम है GST.gov.in।